अध्यक्ष महोदय मैं शायद न बोलता कि माननीय हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मैं नहीं कहना चाहता कि सरे आम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश के देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं मणिपुर पे। कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते हैं? माननीय नेता, मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं बोलने की अपेक्षा? आप उत्तर प्रदेश के लिए, आपको आप उत्तर प्रदेश में सब सही क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा ना परिपाटी है, ना विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई जगह नहीं बची जहां पर घटना की निंदा न हो। आप बैठिए अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा, करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले? नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के निवेदन के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। आप अपना विषय लीजिए, लेकिन हम एक सच्चे बैठिए योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, आप नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं देश में कहीं अनुमति नहीं दी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया, ये विधानसभा कम से कम इससे तो बोल सकते हैं। नियमावली अच्छा, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 इस डर को दूर करना आपका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें। आप देखिए, डबल इंजन की सभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आवरू पर हाथ डालना, मैं सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।